अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और अपने बालों को अपने हिसाब से आप अपने बालों की लेंथ बढ़ा सकते हैं, अपने बालों को शाइनी, सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक चीज़ आप इस्तेमाल करके इतने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये हमारे घर में, हर घर में मौजूद होता है, हर घर में, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, कोई भी हो, तो ये हर घर में मौजूद होता है ये लौंग। ये ना सिर्फ हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हमारे बालों के लिए भी, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक पैन। पैन में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच लौंग के। तो ये गरम पानी का 1 कप हम डाल देंगे। 1 कप गरम पानी आपने इसमें डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से फिर इसको आपने कर देना है जी मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पे, और हम इसको 2 मिनट तक तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे, और फिर हम इसकी आंच कर देंगे स्लो। आप इसको यूज़ करें, आप यकीन करें, आपके बालों में इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये बॉईल हो रहा था, मैंने इसको 2 मिनट तक तेज़ आंच पे बॉईल किया है, और उसके बाद जी मैंने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं, जब इसका कलर इस तरह से हो जाए और पानी इसका आधा रह जाए, तो आपने चूल्हा यहाँ पे कर देना है बंद। और एक और बात, आपने रात को हमेशा अपने बालों को खोल के सोना है। तो हम इसको रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। और ये है जी अगली सुबह। अगली सुबह हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद हम लेंगे इस तरह की स्प्रे बोतल। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉटन की मदद से भी अपने बालों की रूट्स में इनको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने बालों में स्प्रे कर रही थी, और मैं इसको दूसरी मरतबा यूज़ कर रही हूँ। यकीन करें, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना, बहुत अच्छा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है मेरी। तो मैं इसको तमाम बालों की रूट्स में अप्लाई कर दूंगी। इसी तरह से आपने इसको बालों की रूट्स में अप्लाई कर देना है, और फिर इस तरह से मसाज करना है जैसे हम ऑयलिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप 2 घंटे तक भी इसको छोड़ सकते हैं, और उसके बाद आपने कर लेना है जी वॉश, और पाएँ आप बहुत अच्छे और लेंथी बाल, लंबे बाल। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।